वेलकम बैक टू माई अनदर सोलो व्लॉग। आज मैं फिर से आ गई अपने न्यू वीडियो के साथ। मेरे हस्बैंड आज फिर से काम पे गए हैं, रूप सोई हुई है, नैप ले रही है और अभी दोपहर का टाइम है। अभी मैं अपने किचन में जाने वाली हूँ और कुकिंग करने वाली हूँ। मैं आज श्रिम्प फ्राइड राइस बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने मुझे प्राइवेटली मैसेज किए, जिनको मेरी पुरानी वीडियो बहुत अच्छी लगी सोलो वाली। थैंक यू सो मच। मेरे पास बहुत ही प्यारे प्यारे पैराकीट्स हैं, मेरे छोटे छोटे बर्डीज। इनका नाम मैंने अभी तक नहीं रखा, इनको बस मैं बर्डीज बोलती हूँ। 2 साल से इनका नाम बर्डीज ही है। अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा से नाम है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं इनके नाम ज़रूर रखूँगी वो। क्यूटीज। रूप इनके साथ बहुत खेलती है, आके उनको आवाज़ें देती है, उनको हेलो हाय करती है, गुड नाइट करती है, गुड मॉर्निंग करके जाती है, बहुत प्यार करती है। ये हमारी प्यारी प्यारी फैमिली फोटोज। अब बस हम लोग चलते हैं अंदर किचन में और आपको दिखाती हूँ मैंने आज क्या क्या करना है। ओके, तो मैं कास्को के श्रिम्प यूज़ करूँगी आज। मेरे पास बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, मैंने इनको सबको काट के रखा हुआ है और ये सब सॉसेज हैं, ये मैं जब डालूँगी आपको दिखाऊँगी। और मैंने चावलों को ऑलरेडी कुक करके रख लिया हुआ है। ओके, तो अब हम लोग जल्दी से अपने श्रिम्प फ्राइड राइस बना लेते हैं, इससे पहले रूप उठ जाए और मेरे सारे काम ऊपर नीचे फिर से हो जाए। मैंने श्रिम्प का पैकेट ले लिया है, जिसको ऑल्सो हिंदी में, उर्दू में झींगा बोलते हैं। मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन अब मुझे जब पता चला तो मैं बहुत हंसी, क्योंकि झींगा वर्ड मुझे बहुत फनी लगा। सबसे पहले हमें हमारे जो झींगे हैं उनको ले लेना है और उनको पैन के अंदर डाल देना है। हमारे श्रिम्प कुछ ऐसे दिखेंगे, यम्मी। ये ऑलरेडी बैटर्ड हैं बटर और गार्लिक के साथ और इनकी बहुत ही मज़े की सॉस बन जाती है पकने के बाद। अब बस मैं श्रिम्प को 2 से 3 मिनट के लिए पकने दूंगी और फिर इसके बाद आपको दिखाती हूँ अगला स्टेप। श्रिम्प का टेम्परेचर 145 होना चाहिए, हमारा 169 हो गया है और हमारा श्रिम्प अब रेडी है। यम्मी। इसी के साथ साथ मैं चिली और गार्लिक को डाल दूँगी। अब मैं हमारी मिक्स वेजिटेबल डालूंगी सारी, फिर कैबेज डाल दूंगी इसी के साथ साथ, अब बेल पेपर भी डाल देंगे, ग्रीन पीस डाल देना है। अब बस मैं इनको 1 मिनट और पका लूंगी हाई हीट पर, फिर इसके बाद मैं इसके अंदर सॉसेज डालूंगी। मैं इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, इससे बहुत अच्छी सॉस बन जाती है। और फिर 1 चम्मच ऑयस्टर सॉस है वो डाला मैंने। ऑयस्टर सॉस हमारा जो चिकन पाउडर होता है उसकी कमी पूरी करता है इसके अंदर, श्रिम्प के अंदर, और बहुत ही मज़ेदार किस्म का टेस्ट आ जाता है। अब मैं ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच सॉल्ट, सोया सॉस डाल देनी है, ये तकरीबन 2 चम्मच है, मिक्स कर लेना है सब कुछ। अब इसी के साथ साथ मैं सारे चावल इसमें डाल दूँगी। अब मैं विनेगर ऐड कर दूँगी, ये तकरीबन 1 चम्मच था, और फिर होइसिन सॉस होती है वो डाल रही हूँ मैं, इससे तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और मेरे पास चाइनीज़ सॉल्ट है, मैं ये भी डालूँगी, ये भी 1 चम्मच के करीब है। इस सबको मिक्स कर लेंगे। यम्मी, हमारी झींगे की रेसिपी ऑलमोस्ट रेडी है। एट लास्ट मैंने बहुत सारा स्प्रिंग अनियन डाला है, इससे इतने मज़े का टेस्ट आता है। जैसे धनिया देसी डिशेस के लिए ज़रूरी है, वैसे चाइनीज़ डिशेस के लिए हमें स्प्रिंग अनियन बहुत ज़रूरी है। एट लास्ट मैंने सेसमी ऑयल को थोड़ा बहुत डाला है। सेसमी ऑयल से बहुत ही मज़े का इसमें अरोमा आ जाता है, बहुत मज़े के बनते हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है, नटी नटी सा फ्लेवर आता है। हमारा यमी यमी श्रिम्प फ्राइड राइस रेडी हैं, बहुत मज़े के, डिश आउट कर लूँगी, देयर डन। मज़ेदार किस्म के श्रिम्प फ्राइड राइस रेडी हैं गाइस, बहुत 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 ही ज़्यादा मज़े के होते हैं ये। ओके गाइस, तो ये थी मेरी फाइनल रेसिपी की लुक।
बहुत ही मज़े की बनी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप अपने घर में ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको मेरी मज़े मज़े की रेसिपीज़ और भी देखने को मिलें। आप लोगों को मैं अगले व्लॉग में मिलूँगी। फिर से अपना बहुत ख्याल रखिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी। तब तक के लिए पीस आउट।